अच्छा, हाँ वीडियो बनवाइए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोले। हाँ जय श्री राम बोलो। बोलो जय श्री राम। हमें भी बोलना पड़ेगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा। अब बोलिए, अब बोलिए। बाबा को जो वोट ना करेंगे वो इंडिया में नहीं रहेंगे ना, भेज दो पाकिस्तान। अच्छा हमें कहाँ रहना चाहिए? मेरा नाम जैसे दानिश हुआ तो इंडिया में रहो। अभी तो आप कह रहे हो पाकिस्तान भेज देंगे। जय श्री राम बोलो ना। जय श्री राम बोले। नहीं बोलेंगे जय श्री राम तो पाकिस्तान जाओ। अल्लाह अकबर बोलेंगे तब पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान। अच्छा भारत में रहने वाले अल्लाह अकबर वाले भारत में नहीं रहेंगे? ना ना, जय श्री राम बोलेंगे जब इंडिया में रहोगे, नहीं पाकिस्तान जाओगे। हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम। लेकिन कोई बात नहीं, आप मत बोलो। हाँ बताइए आप, ये क्या लॉजिक है कि मतलब जय श्री राम बोलोगे तभी भारत में रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। वो तो हम भाव, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह आपको कहूँगा अल्लाह अकबर बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक भावना है, आप बताइएगा। अपनी भावना अपने साथ रखेंगे। हाँ हाँ, हम तो सबके साथ रखेंगे। आप हमारे पे थोप देंगे? कल से लौट ले, कोई भी एक भी बेरोजगार वो नहीं मिली है जॉब। जॉब नहीं मिला आपको? कल से नहीं मिला है। अभी कह रहे हैं कि 48 घंटे हो गए, अभी एक भी जॉब कर रहे हैं। अगर कोई कुत्ता होगा उसके लिए वोट दे देंगे हम, पर मोदी के लिए नहीं दे सकते हम। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV। इस वक्त सीलमपुर में मौजूद है दिल्ली में, और यहां लोगों से बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल कैसे रहे। इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ NDA गठबंधन है। इस बार जनता क्या सोच रही है 2024 के चुनाव को लेकर, क्या कुछ मुख्य मुद्दे उनके होंगे, इनसे ही बातचीत करते हैं। लो पहले बनाओ। हाँ वीडियो बनवाइए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोले। हाँ जय श्री राम बोलो। बोलो जय श्री राम। हमें भी बोलना पड़ेगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा। अब बोलिए, अब बोलिए। क्या क्वेश्चन? क्या कह रहे हैं? जय श्री राम बोलेंगे जब इंडिया में रहोगे, नहीं पाकिस्तान जाओगे। हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम। लेकिन कोई बात नहीं, आप मत बोलो। हाँ बताइए आप, ये क्या लॉजिक है कि मतलब जय श्री राम बोलोगे तभी भारत में रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। वो तो हम भाव, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह आपको कहूँगा अल्लाह अकबर बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक भावना है, आप बताइएगा। अपनी भावना अपने साथ रखेंगे। हाँ हाँ, हम तो सबके साथ रखेंगे। आप हमारे पे थोप देंगे? नहीं नहीं, आप पे नहीं थोपेंगे। नहीं आपने कहा ना जय श्री राम बोलिए। हाँ बोलिए। उन्होंने कहा कि भारत में रहना तो जय श्री राम बोलो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती हो गई। सबका समाज, सबका देश है ये तो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। ये जो नफरती बयान देते हैं उस पर क्या कहेंगे लोग? नहीं, नफरती बयान गलत देते हैं, तो नेताओं की पॉलिटिक्स है। पब्लिक को तो सब समझना चाहिए कि भाई ये तो पॉलिटिक्स है नेताओं की, भाई हम अपनी तरफ मिलाएं तो हमारे वोट बन जाए, हिंदू हिंदू की तरफ हो जाए, मोमडन मोमडन की तरफ हो जाए, ये पॉलिटिक्स है नेताओं की। नेताओं क्या कहते हैं, अभी नेताओं किसी की शादी होती है लड़की की, वो सब जो सब लोग इकट्ठे होकर चले जाएंगे, पब्लिक क्या कहे? पब्लिक तो रह जाती है कि भाई अखिलेश है, चाहे क्या कहते हैं NDA है, चाहे राहुल है, ये लोग सब एक साथ हो जाते हैं। और BJP वाले भी आप देखो कैमरे के पीछे सब एक हैं, कैमरे के पीछे सारी पार्टियां मिली रहती हैं। हाँ सारी पार्टी एक है, और कैमरे के आगे क्या है कि तुम वो हो, तुम BJP वाले हो कि मैं साइकिल वाला हूँ, कि मैं हाथी वाला हूँ, कि मैं पंजे वाला हूँ, एक दूसरे को भावना कर। अभी तो आप लड़ रहे थे जैसे राम। नहीं वो तो एक ऐसी भावना थी, वो तो ऐसी मजाक कर रहे थे। हमसे लड़ेंगे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई से बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि इंडिया में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा? बाबा भैया बाबा कहनी पड़ेगी। बाबा को जो वोट ना करेंगे वो इंडिया में नहीं रहेंगे? ना, भेज दो पाकिस्तान। अच्छा हमें कहाँ रहना चाहिए? मेरा नाम जैसे दानिश हुआ तो इंडिया में रहो। अभी तो आप कह रहे हो पाकिस्तान भेज देंगे। जय श्री राम बोलो ना। जय श्री राम बोले। नहीं बोलेंगे जय श्री राम तो पाकिस्तान जाओ। अल्लाह अकबर बोलेंगे तब पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान। अच्छा भारत में रहने वाले अल्लाह अकबर वाले भारत में नहीं रहेंगे? ना ना, कहाँ से ये लॉजिक आया है? क्यों आपको ऐसा लगता है? बाबा और मोदी जब तक रहेंगे जब तक पाकिस्तान भेजते। मोदी तो ठीक है, अलग चीज़ है, लेकिन कई लोग हैं ना अखिलेश यादव को वोट करते हैं, मोदी को वोट नहीं करते हैं। अखिलेश यादव कौन पूछ रहा है? ये तो बाबा है, BJP पूछ रहे हैं आप सब। कमाल को, ये जो 25 करोड़ मुसलमान है ये पाकिस्तान चला जाए? हाँ बिल्कुल, आप अकेले रहे। अच्छा, टिकट वगैरह कटवा रहे हैं सबका? हैं सबका टिकट कटवा रहे हैं? सबको कट जाए वो 2000। तो ये नफरत कहाँ से आती है आपके अंदर? नफरत TV अखबार में देख पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं ये सब? तो सब पब्लिक फैला रही है। अच्छा आपस में आप भी तो फैला रहे हो नफरत। कैसे? आप कह रहे हो पाकिस्तान चले जाए सब। पाकिस्तान भेज देगा, जबरदस्ती भेज देगा बाबा। बाबा भेज देगा। चलिए तो आप भी मानते हैं कि अच्छा एक्टिंग किया है। क्या कह रहे, कैसा रहा मोदी जी का 9 साल? भैया बढ़िया रहे, और आने वाले समय में अच्छा ही रहेगा। अच्छा रहेगा बिल्कुल। मोदी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं यार, कौन भेज रहा है उन्हें? राहुल गांधी तैयारी में है। अरे वो तो कुछ नहीं है, उन्हें नहीं पूछ रहा कोई भी। राहुल गांधी को नहीं, कोई भी नहीं, नहीं। बाबा योगी और मोदी दोनों देश के मालिक हैं। अच्छा। उनके हाथ में बागडोर है भाई। मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे, कोई उन्हें हटाने वाला नहीं है, यूं समझ लीजिए। ये जो कह रहे हैं भाई साहब कि जय श्री राम बोलेंगे तभी भारत में रहना पड़ेगा, जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर मोमडन एक सा नहीं होता, बहुत से मोमडन ऐसे होते हैं वो जय श्री राम बोलते हैं। अच्छा, जो नहीं बोलते, मेरे दोस्त है मोमडन है जो नहीं बोलते जय श्री राम। भाई देखो मैंने तो नहीं कहा, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में रहो, सबका हिंदुस्तान तो है। नफरत फैलाने वाली बात कौन सी है? जो लोग कहते हैं पाकिस्तान भेज देंगे उस पर, वो तो भाई एक उनकी चॉइस है जो कह रहे हैं।
जिनमें जितनी बुद्धि उतना काम। मतलब मोदी जी का काम पसंद आ रहा है? काम पसंद है। दो चार बता दीजिए भाई। बहुत अच्छा काम करे उन्होंने, देखो गरीबों के लिए राशन फ्री, ठीक है, पेंसिल भी मिलनी है विधवा को मिलनी है, जब कितनी योजना निकाल दी यार। पर ये कि महंगाई हो रही है, जैसे किराया बढ़ रहा है, कभी वो किराया बढ़ा देते हैं, और जो आम आदमी है, आम आदमी बेचारा कैसे गुजारा करेगा अपना, वो किराया कहाँ से ले जाएगा? उसकी सैलरी तो नहीं मिल रही, उसकी सैलरी तो ये 12,000 रुपये महीने लग गया तो 12,000 रुपये की नौकरी करके जाएगा। तो महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बिल्कुल सब कुछ है। सब मतलब बेरोजगारी है, पर इसकी सैलरी नहीं बढ़ रही। जैसे ये भैया है, इनका भी वेतन नहीं मिल रहा। ये मजबूरी कौन, जो प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार होंगे? देखो जी मोदी सरकार जिम्मेदार है। मोदी जी रोजगार नहीं मिला, सुनो मेरी बात, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, जो आप है ना जिम्मेदार। अरे जब गवर्नमेंट हम लोग बनाते हैं, जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग हो गए गवर्नमेंट बनाने वाले जिम्मेदार हो गए। मतलब विदेशी फिर भी तो मोदी मोदी कर रहे हैं भाई। मोदी मोदी कर रहे हैं सही है, मोदी मोदी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ आप बताइए कैसा है मोदी जी का? भाई ये मैं बताता हूँ, ये 20 से 30 हज़ार कमाने वाले आज मजदूरी कर रहा है मेरे साथ में। ये रोजगार है इसके पास में, इस सरकार में ये रोजगार हो रहा है। ये 30,000 कमाने वाले, ये बेलदारी कर रहा है मेरे साथ में अभी। इस समय 20,000 कमाते थे आप? हाँ जी, 30,000 कमाता था ये। तो अब मतलब नौकरी चली गई, क्या हुआ? क्या हुआ, ये तो बस कंपनी बंद हो रही है, ये तो सरकार की वो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सरकार की इस चीज़ के लिए। अच्छा, कंपनी सब शटडाउन हो रही है क्या? ओ, सरकार के चक्कर में सब कंपनी शटडाउन हो रही है, सब सारी की सारी कंपनियों में वही नपोर लग रही है सब। तो अभी कितने का जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी हम 400 रुपये पे काम कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, ईंट पत्थर ढो रहे हैं। 12th पास आदमी क्या कर रहे हैं? 12th पास हैं और ईंट पत्थर ढो रहे हैं। 12th पास है और ईंट पत्थर ढो रहे हैं? हाँ ईंट पत्थर ढो रहा है ये। मोदी जी से अच्छे दिन नहीं आए है ना? तो हमारे लिए तो अच्छे दिन नहीं आए। हमारे लिए तो नहीं है भैया, हमारे लिए तो नहीं है। अब किसी के लिए आए हम तो मोदी वाले हैं ही नहीं, सौ बात की हम तो बिल्कुल नहीं वैसे। ये तो मोदी मोदी कर रहे हैं, खानदान नहीं। अरे जो कर रहा वो कर रहा, हम तो खानदान ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप मोदी मोदी नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, मर जाएंगे नहीं करेंगे भाई साहब। ऐसा क्यों? अरे करेंगे नहीं, क्या नहीं किया मोदी ने? हमारे लिए अरे भी ना गया चीज के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं किया ना, हमारे लिए नहीं कुछ किया। विदेश में डंका बजता है, तो विदेश में डंका बज रहा है, हमारे इंडिया में थोड़ा बज रहा है। मैं कंपनी में असिस्टेंट ऑफ मैनेजर था। अच्छा। 30,000 रुपए में मतलब पहले थे। हाँ 30,000 सैलरी कमाया था, मैं अभी 600 रुपए में बेलदारी कर रहा हूँ दिल्ली में। बेलदारी कर रहा है ये मेरे साथ में, बेलदारी कर रहा है भाई। अच्छा मतलब जो वादे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, हवाई चप्पल चलनी है भाई, ये तो कुछ नहीं है, सब कहने की बातें। मतलब आप जूते से चप्पल में आ गए और क्या, जहाँ 4,000 के मैं बूट पहनने वाला आदमी, चप्पल बनाओ 250 रुपए की, ये अच्छे दिन नहीं है। ये चला करके देखे, देश चलाने से मतलब नहीं बनता है, अपने घर चला करके देखे कैसे चलता है। उसने अपने घर का ही नहीं पता कहाँ पे मेरा घर है, कैसे करना है, क्योंकि जो उसको पता उसको चलेगा, जिसका कुछ घर होगा अपना चलाता है वो। मोदी जी तो आप लोग के लिए घर बार छोड़ दिए ना, क्या छोड़े अपने लिए, हमारे लिए नहीं छोड़े, अपने लिए छोड़े उन्होंने घर, हम अपने लिए छोड़े, घूमने के लिए छोड़े, ऐसे ऐसे कर रहे हैं इधर विदेशों में वो हैं। हम बहन जो यहाँ पे भी नहीं रह सकते ठीक से। हाँ नहीं यहाँ पे कह रहे कि पहले हम जो है देखिए बूट पहनते थे, अब चप्पल में आ गए। बराबर बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं, इस बात को बराबर बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं। हमने कांग्रेस ही कांग्रेस था, कांग्रेस ही कांग्रेस चला पाएगी देश, ठीक। हाँ बराबर कांग्रेस ही सब, हम किसी को दे देंगे, हम उसे नहीं देंगे। सौ बात की एक बात, हम सौ बात की एक बात, मोदी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। 3 घंटा हो गया फोटो स्टेट की दुकान भी नहीं मिली। अच्छा हाँ यो क्या कह रहे हैं? कल से लौट रहे, कोई भी एक भी बेरोजगार वो नहीं मिली है जॉब, जॉब नहीं मिला आपको? कल से नहीं मिला है। अभी कह रहे हैं कि 48 घंटे हो गए अभी एक भी जॉब कर रहे हैं। अगर कोई कुत्ता होगा उसके लिए वोट दे देंगे हम, पर मोदी के लिए नहीं दे सकते हम। क्या बुरा कर दिया भाई? बुरा भाई इससे ज्यादा बुरा क्या होगा हमारे साथ में भाई मेरे। ये देखो ये मसाला लगा ना शरीर पे भी, ये देख लो तुम हाथ पैर भी देख लो भाई, मजदूरी कर रहा है ये बंदा, मजदूरी कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ज्यादा क्या करेगा? हां क्या कह रही है? मैं तो कह रही हूँ मोदी सरकार ने जो भी किया है, मतलब कि जैसे कि मैं ही ग्रेजुएट करके और MSc की पढ़ाई करके आज मैं मार्केटिंग के काम कर रही हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट बेचती हूँ, मतलब कि होम टू होम डोर टू डोर जा करके। तो राज्य सरकार से जरूर से चाहिए कि भाई पढ़े लिखे शिक्षित है, अगर पढ़े लिखे नहीं तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर एक बेटी हो करके अगर इस रूट पर आकर के रूट लाइन में मार्केटिंग का काम कराओ और उसके लिए कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है, तो फिर इसके लिए तो खैर नहीं बनता। ये वादे तो कहते हैं और दिखाते हैं कि महिलाओं के लिए क्या सब कुछ कर रहे हैं, स्मृति ईरानी भी कई बात कहती है। बिल्कुल वादे करने से क्या होता है, वादे तो उन्हीं का उन्हीं लोग का तो थिंकिंग है, जो राज्य सरकार ही कहते हैं कि वादा क्या है, तो मुंह से बोला हुआ शब्द है। तो इस पर थोड़ा सा एक्शन उनको लेना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं तो क्या हमें करना चाहिए एक्शन के रूप से। महिलाओं के लिए कुछ खास सरकार में रह रही है?
हाँ मतलब कि बना रही हैं, लेकिन जो सुविधा होना चाहिए वो चीज़ तो नहीं खैर हुआ। जो जैसे कि गवर्नमेंट के तहत जो वैकेंसी होना चाहिए, जो जॉब होना चाहिए, आज ग्रेजुएशन करके एमएससी डिग्री ले करके और रोड पे चलना, मतलब कि मार्केटिंग लाइन से काम करना, फीडबैक करना, कोई उस तरह की सुविधाएँ नहीं है लड़कियों लोग के लिए भी, तो फिर अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। चलिए, आप क्या महंगाई वगैरह है या सब ठीक है? नहीं भैया, हाँ मैंने पता, आप बताइए महंगाई आपको लगता है यहाँ पे? महंगाई है नहीं, महंगाई तो खैर ज़्यादा नहीं है, वो तो खैर ठीक ठाक चल रहा है। महंगाई तो सब होते रहेगा, आते रहेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लड़के क्या करेंगे? लड़के क्या करेंगे? हर जगह तुम लिख दोगे वहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लड़के क्या करेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़के क्या करेंगे बताओ ना? हर जगह तुम लिख दोगे बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लड़के क्या करेंगे? लड़के चिंतित है अब। अरे लड़के चिंतित नहीं यार। हाँ भाई, तुम चिंतित नहीं हो? तुम भाई चिंतित नहीं हो? हर जगह तुम लिख लो बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। तो यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की, सबकी अपनी अपनी राय थी, सब अपनी अपनी राय बड़ी बेबाकी से रख दिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।